माय नेम इज़ अनुष्का वर्मा और मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को मतलब वुमेंस को हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए और सबसे पहले सेल्फ लव बहुत ज़रूरत है। वुमेंस अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, तो मेरा यही कहना है कि खुद का ध्यान देना चाहिए सबसे पहले और सबका ध्यान तो हम देते ही रहेंगे। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। हाय, दिस इज स्निग्धा बनर्जी। चीयर्स टू द वुमेन हु फाइट अ साइलेंट बैटल एवरी डे, हु लीड्स विद करेज एंड काइंडनेस एंड इंस्पायर एवरी वुमेन टू अचीव अपॉर्चुनिटीज दैट आर बाउंडलेस एंड सो टू न्यू हाइट्स। आई विश एवरी वुमेन दैट May the seeds of empowerment blossom into a garden of success for women around the globe. Happy International Women's Day. मैं सुबुई सिद्दीकी फ्रॉम लिमला ब्यूटी सलून इन गोमती नगर लखनऊ। मैं 11 साल से इस फील्ड में हूँ। आप सभी को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी फीमेल्स आज वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रही हैं। वुमेंस डे वुमेंस के लिए देन वुमेंस के बारे में अगर बात की जाए कि क्या बदलाव आया है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फर्क आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे हम देख सकते हैं, मेरी दादी माँ को या मेरी अम्मी को उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली क्योंकि उस वक्त स्कूल नहीं हुआ करते थे, फैसिलिटीज़ उतनी नहीं होती थी या फाइनेंशियल इशू थे, कोई भी रीज़न हो सकता जिसकी वजह से उनको उस तरह से एजुकेशन मिलनी चाहिए थी तो वो नहीं मिली। बट अब ऐसा नहीं है। मेरे पेरेंट्स या सभी के पेरेंट्स की हम बात करें तो सब अब अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। जिस तरह से पहले ये होता था सिर्फ लड़के पढ़ाई करेंगे, बट अब ऐसा नहीं है। अब फर्क आया है कि अब जिस तरह से आपको लड़कों को पढ़ाई करनी थी उसी तरह अब लड़कियों को भी पढ़ाई करनी है, देन जॉब वगैरह सब कर। फीमेल्स अब किसी भी फील्ड में देखा जाए तो ये नहीं है कि लड़कियां ही जो लड़के ही जॉब कर सकते, अब नहीं है। चाहे हम देखें MBBS हो या हम पायलट हो या हम लोकसभा में हो, कहीं पे भी हो, अब इक्वालिटी की बात करते हैं और हर जगह वुमेन्स अपना झंडा गाड़ रही हैं। मेरा नाम रजनी नाथ है। KGMU रेडियो गूंज के सभी सुनने वालों को महिला दिवस की शुभकामनाएं। समाज को देखते हुए पहले के जमाने से आज के जमाने में बहुत सुखद बदलाव हुए हैं। पहले जो चीज़ें नहीं मिल पाती थी औरतों को, जो काम नहीं कर पाती थी, उस जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो सारे काम अब औरतें कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं। सेना विभाग में हर विभाग में महिलाएं जा रही हैं, पुलिस विभाग में महिलाएं जा रही हैं, जहाज तक महिलाएं उड़ा रही हैं। सेना में भी अब महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है और भी बहुत से काम जो हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं आजकल। और समाज का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो मैंने भी 60 साल की उम्र के बाद में जो बचपन में नहीं कर पाई थी वो काम किया। मैंने जाकर के स्टेज पर एक नाटक में भाग लिया जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई और लोगों ने ये कहा कि ये आपकी दूसरी उम्र की दूसरी पारी में आपने बहुत बड़ा काम किया। इसी तरह और वो संगीत नाटक एकेडमी में प्रोग्राम हुआ था और भी उसमें कई जो है संगीत के छोटे छोटे 15-15 दिन के कोर्सेज होते थे, उसको भी मैंने अटेंड किया जो कि शायद पहले मैं नहीं कर पाती परिवार के बीच में रह करके, बच्चे छोटे थे उन दिनों में। और आज के ज़माने में जो सुखद परिणाम हो रहे हैं, जो महिलाएं कर पा रही हैं, वो बड़े अच्छे जो है उनके चेंजेस आए हैं लाइफ में और आगे उनको आगे ऐसा करती रहे। मेरी बेटी है, मेरी बहू, वो भी सब नौकरी में अपने घर परिवार को देखते हुए उसके अंदर अपना काम कर रही हैं, उसको एडजस्ट कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ है कि उनको सुरक्षा भी मिलती रहे कि कुछ लोग ऐसा होता है कि रात की ड्यूटियाँ भी करती हैं, तो अगर गवर्नमेंट से या उनके जो ऑफिसेज हैं वहाँ से उनको थोड़ा सुरक्षित व्यवस्था हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और ज़माने में जो है बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई में भी बच्चियाँ जो है बराबर से पढ़ लिख रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। ये बहुत कुछ ऐसा बदलाव आया है जो कि शायद हम पहले इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ना परिवार से उन्हें परमिशन मिलती थी, ना समाज में उन्हें सुरक्षा मिलती थी, तो इस वजह से। और एक चीज़ और थी, पहले एक अहम भाव था परिवार में कि हमारे घर की लड़कियां भला कैसे बाहर जाएंगी, औरतें कैसे काम करेंगी। वो जो मनोभाव हैं, वो जो विचारधाराएं हैं, वो अब बदल रही हैं, जो टैबूज थे वो टूट रहे हैं। तो ये सब एक अच्छे बदलाव की, एक अच्छे विचारधारा की तरफ हवा जा रही है।
और आज देश ही क्या, विदेश तक लड़कियां जा रही हैं और महिलाएं जा रही हैं, वहां भी जाकर के जो विदेशी क्या कहते हैं उसमें काम कर रही हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो बदलाव आ रहा है ये आगे भी चलता रहे और इसके जो है अच्छे परिणाम होते रहें। इसी एक शुभकामना के साथ में नमस्ते।